हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली बीएफए के बारे में है कि बीएफए क्या होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। जितने भी डाउट बीएफए को लेकर आप लोगों के मन में होते हैं, आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। बेसिकली ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कि मैं बीएफए को फुल्ली एक्सप्लेन करूंगी स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको नहीं पता कि बीएफए हम कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ से करें, कितने साल का कोर्स होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको बीएफए की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। बीएफए मींस बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। बीएफए जो है हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट है उसके अंदर दो चीजें आती है, बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट होता है बहुत जगह पर, लेकिन जो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट है ये एक आर्ट कॉलेज जितने भी होते हैं जिसमें कि हम ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें सीखते हैं। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं ड्रामा, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। बेसिकली दोनों ही विजुअल फॉर्म ऑफ आर्ट है, एक हम हाथों से करते हैं, एक हम जो है अपनी बॉडीली मूवमेंट से करते हैं, थिएटर, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह इन सब का यूज करके करते हैं। तो फाइन आर्ट्स के अंदर दो कैटेगरी हैं, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो हम जिसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट के अंदर विजुअल आर्ट्स। ठीक है, हमारा जो बीएफए की डिग्री है वो हम आर्ट कॉलेज से लेते हैं इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, एनिमेशन, ठीक है, स्कल्पचर, आर्ट हिस्ट्री, प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीजें करने के लिए जो है हम बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री को कंसिडर करते हैं। ये हो गई हमारी बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी क्या हम डांस, म्यूजिक इन सब की डिग्री कर सकते हैं। हाँ, इनके अलग कोर्सेज होते हैं बट मुझे उनके ऑफिशियल कॉलेजेस नहीं पता हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती बिकॉज हम लोग जो हैं बीएफए आर्ट से आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उसी के बारे में रिगार्डिंग नॉलेज है, उसी के रिगार्डिंग मैं इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए, इसके अंदर आते हैं हमारे 6 से 7 सब्जेक्ट्स। आप सब्जेक्ट्स कह लो या फिर उसको स्ट्रीम्स कह लो। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको लिस्ट वाइज बता देती हूँ कि क्या क्या जो है सब्जेक्ट सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा अप्लाइड आर्ट। इन सब चीजों की डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड वीडियोस में बनाऊंगी और इस वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है ये। सबसे पहला होता है हमारा अप्लाइड आर्ट, दूसरा हमारा होता है पेंटिंग, तीसरा हमारा होता है प्रिंट मेकिंग, चौथा हमारा होता है विजुअल कम्युनिकेशन, पांचवा स्कल्पचर, आर्ट हिस्ट्री। कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है, जो थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो पर्सनल फोटोग्राफी, बीएफए इन फोटोग्राफी देते हैं, बीएफए इन कैलीग्राफी देते हैं, बीएफए इन ग्राफिक डिजाइनिंग देते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इनके भी सब स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर आप बीएफए प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हो, बट जो मैंने आपको टॉप 6 बताए हैं ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये जो टॉप 6 मैंने आपको स्ट्रीम्स बताए हैं या सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये सारे आपके कॉलेज ऑफ आर्ट में अवेलेबल हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है, और एक चीज कंफ्यूजन दूर कर दूं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट इज डिफरेंट, वो डीसीए है एंड कॉलेज ऑफ आर्ट इज सीओए, कॉलेज ऑफ आर्ट COA। ठीक है, DCA इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट को कॉलेज ऑफ आर्ट समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो हमारी ये 6 स्ट्रीम्स हैं ये कॉलेज ऑफ आर्ट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम बता रही हूँ जहां पर से आप बीएफए की डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले टॉप लिस्ट में मैंने आपको बताया कॉलेज ऑफ आर्ट, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि हम BHU के नाम से जिसे जानते हैं, वहां पर भी बीएफए अवेलेबल है। बीएफए बीएचयू में जो है आपके अप्लाइड पेंटिंग ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, स्कल्पचर। ठीक है, बट वहां पर आपको वीसी देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड जो हमारा जामिया है, यहाँ पर आपको एक नया सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन देखने के लिए मिलता है। जामिया से भी आप जो है बीएफए कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर आपको पेंटिंग देखने के लिए मिलता है, अप्लाइड देखने के लिए मिलता है एंड आर्ट एजुकेशन देखने के लिए मिलता है, प्रिंट मेकिंग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको विजुअल कम्युनिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये कुछ स्ट्रीम्स हैं, स्कल्पचर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉलेजेस हैं शांति निकेतन में आपका कॉलेज है एक आर्ट कॉलेज, ठीक है, बीएफए का, जहां पर बीएफए ऑफर किया जाता है। इसके अलावा मुंबई में जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है वो कॉलेज, वहां का एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत टफ होता है, आउटसाइडर्स के लिए बहुत ही कम सीट्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारा चंडीगढ़ कॉलेज, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है ये, लखनऊ में भी अवेलेबल है, आगरा में भी अवेलेबल है, लेकिन जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया, बीएचयू, जेजे, ठीक है, शांति निकेतन, तो ये सारे कुछ कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ भी अच्छा है, तो ये सारे कुछ कॉलेजेस हैं जो एक टॉप बीएफए लिस्ट में आते हैं। एंड इसी के लिए जो है बच्चे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनका एडमिशन यहाँ पर किसी एक कॉलेज में हो जाए।
सो अब हम बात करते हैं बीएफए की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बीएफए कर सकता है एंड कैसे कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो बीएफए है, अभी तक जो सीयूईटी से पहले बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम होता था वो होता था बेस्ड ऑन कि आपके 12th में कितने मार्क्स हैं एंड आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता था। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम और साथ में उसके साथ एक छोटा सा थ्योरी का एग्जाम भी आपका कंडक्ट करवाया जाता था। बट अब वो पैटर्न जो है खत्म हो चुका है, जब से सीयूईटी आया है। सीयूईटी के बाद से क्या हुआ है कि सारे कॉलेजेस, जितने भी डीयू के कॉलेज है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उनके अपने एक पर्टिकुलर सिर्फ एक एग्जाम होगा उसका, सीयूईटी का, बेस्ड अपॉन द रैंक आपको जो है कॉलेज मिलेगा। तो बीएफए में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बीएफए में सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब आपको जो 12th के बाद, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 12th के बाद जितने भी बच्चे, मतलब ये पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि दीदी हमारे पास फाइन आर्ट्स होना जरूरी है 12th में या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप फिर भी बीएफए कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स जो बाद में पछताते हैं कि हमने साइंस क्यों ले ली, हमारा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में था, हमें तो पेंटिंग ड्राइंग करना पसंद है या हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करना पसंद है, तो वो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम, आप जो हैं बीएफए कर सकते हो। फाइन आर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है कमर्शियल आर्ट्स की। हाँ, अगर आपके पास फाइन आर्ट्स होता है, अप्लाइड आर्ट्स होता है या कमर्शियल आर्ट, आपके पास कोई आर्ट सब्जेक्ट होता है, तो आपका जो है 5% आपको जो है एक्स्ट्रा मिलते थे। पहले ऐसा होता था, अब का मैं नहीं कह सकती। ठीक है, तो अभी सीयूईटी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको कैसे करना है एग्जाम वो मैं आपको बताती हूँ। तो सीयूईटी में सबसे पहले आपको जो होता है कि आपको एक थ्योरी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है सीयूईटी के द्वारा। ठीक है, थ्योरी के एग्जाम में आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज कौन से 2 सब्जेक्ट कौन सा 1 सब्जेक्ट का एग्जाम ले रहा है। 3 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट है, सबसे पहले फाइन आर्ट्स, दूसरा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, और तीसरा जो है लैंग्वेज। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनके ऊपर आपका बेसिकली टेस्ट होता है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स को जो है काउंट किया जाता है, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको एंट्रेंस देना है एंड इनका, इसमें आपका जो भी स्कोर आएगा बेस्ड अपॉन दैट आपके 50% सीयूईटी के जुड़ेगा एंड देन आपको प्रैक्टिकल देने दिया जाएगा अगर आप सीयूईटी क्लियर करते हो। ठीक है, इसके बाद बीएचयू की बात करी जाए तो वहां पर सिर्फ फाइन आर्ट सब्जेक्ट जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी में है, उनको सिर्फ फाइन आर्ट्स का एग्जाम लेना है बेस्ड अपॉन की फाइन आर्ट्स में आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपने फाइन आर्ट्स क्लियर कर लिया है तो आपका प्रैक्टिकल देने दिया जाएगा एंड जो भी आपकी जितना भी आपका सीयूईटी स्कोर होगा उसके हिसाब से, प्रैक्टिकल के 50 हिसाब से आपका जोड़ के जो भी नंबर आएगा उसके बेस पर आपको सीट मिलती है। तो ये कुछ पैटर्न है, फॉलो किया जा रहा है हर यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज ऑफ आर्ट, बीएफए, जामिया। हाँ, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जामिया इस सीयूईटी से बाहर है, जामिया में सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। जामिया में जैसे पहले एग्जाम होता था बिल्कुल वैसे ही होता है, थ्योरी एग्जाम एक छोटा सा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको सीयूईटी में सीयूईटी से जो है नहीं लिंक किया गया है। बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, ठीक है, जे, ये सारे कॉलेज जो हैं इनमें जो है आपका सीयूईटी कंडक्ट करवाया जाता है एंड यहाँ पर आपको सीयूईटी क्लियर करने के बाद ही आपके कॉलेज कौन कौन से, जो भी जिसका भी आपको एंट्रेंस देना है वो मिलते हैं। ठीक है, सो ये बात रही कि आपका जो है आप कैसे, मतलब आप कोई भी स्ट्रीम लेकर एलिजिबल हो सकते हैं एंड आपको जो है एग्जाम कैसे होता है सीयूईटी का। जब भी आप सीयूईटी क्लियर कर लेते हैं, मैंने आपको बताया, फिर प्रैक्टिकल होता है, दोनों के मार्क्स करके आपकी जो है रैंक बनती है, देन आपको सीट अलॉट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है कि कौन कौन एलिजिबल है बीएफए करने के लिए। ठीक है, बीएफए की एलिजिबिलिटी लिस्ट में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको बीएफए करने के लिए इतनी एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी एज लिमिट में हो आप जो है बीएफए कर सकते हैं एक्सेप्ट बीएचयू। बीएचयू में जो है आपको 21 ईयर्स कि अगर आप ऊपर के हैं तो आप जो है एग्जाम बीएफए का नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी के कॉलेजेस में बीएफए के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज में जो है बीएफए परस्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर किसी कारणवश आपने कोई दूसरी डिग्री की है एंड अब आपका बीएफए करने का मन है तो आप जो है बीएफए परस्यू कर सकते हैं। अब हम जो है बीएफए के फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि बीएफए डिग्री का फी स्ट्रक्चर क्या है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर जो फीस है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारी स्ट्रीम्स का हाल है, जैसे कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर मैं आर्ट की सब्जेक्ट की ही ना बात करूं तो आर्ट सब्जेक्ट में भी जैसे कि बीएफए का जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर जामिया में 10,000 कुछ करके फीस है ईयरली एंड कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है 20,000 करके फीस है ईयरली, देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में 15,000 कुछ हो जाती है।
ठीक है। सो सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बहुत कम फीस है, अराउंड 10 से 20 के बीच में जो है वो वैरी करती है। बाकी अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ कि वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो प्राइवेट कॉलेजेस जैसे MET वहाँ पर 75,000 अराउंड 70,000 जो है पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ता है। और भी कॉलेजेस हैं जिसमें कि आपको जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपका अराउंड 1 लाख तक जो है ईयरली बैठ जाता है सिर्फ फीस का। उसके अलावा आपका जो मटेरियल का खर्चा है वो अलग होता है। तो इसीलिए सारे बच्चे जो हैं BFA प्रेफर करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है ले सके। अब ये हमने कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आ रही है BFA को लेकर, तो वो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे जरूर कमेंट छोड़िएगा। तो अभी जैसे कि मैं बात करूं कि हमारी जो टोटल स्ट्रीम्स हैं, 6 स्ट्रीम्स हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, एंड आई मीन 4th ईयर राइट नाउ। तो 6 स्ट्रीम्स में जो है मेरे पास अप्लाइड है, तो मैं सारी स्ट्रीम्स का आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि सारी स्ट्रीम्स में क्या क्या होता है, ताकि आप अच्छे से चूज कर एंड जो है आगे डिसाइड कर सकें कि आपको क्या लेना है। सबसे पहले हम अप्लाइड आर्ट्स की बात करते हैं कि अप्लाइड आर्ट क्या होती है। अप्लाइड आर्ट होती है जितना भी आप जो भी पोस्टर्स बैनर्स जो जैसे कि आप रोड पर जा रहे हो तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से कि आपको रोड्स पर जो हैं ये पोस्टर्स बैनर्स बिलबोर्ड्स ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सारी डिजाइनिंग ये सारी टाइपोग्राफी जो भी उसके ऊपर डिजाइन हैं वो सब एक अप्लाइड आर्ट वाले बच्चे का काम होता है। जितने भी लोगो डिजाइनिंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ये सब ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं, जो कि आप अप्लाइड लेने के बाद बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अप्लाइड के बाद, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड इसके बाद अगर हम पेंटिंग की बात करें तो बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आर्ट फील्ड में आते हैं पेंटिंग का शौक रखते हुए, ठीक है। तो अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, हाथों से काम करना पसंद है, तो आप जो है पेंटिंग चूज कर सकते हैं। जितना भी सारा मैनुअल वर्क, पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, अगर आपको ये सब करना है तो आप जो है पेंटिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है ज्यादातर हमारा अप्लाइड आर्ट्स की तरह ही होता है। इसमें भी आपको जो है डिजिटल वर्क करवाया जाता है, सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ता है, एंड इसमें भी है जो आप एक लेवल ऊपर यानी कि एनिमेशन भी आप सीखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कल्पचर। स्कल्पचर में आप जितना भी मूर्ति कला, जितने भी आप मिट्टी से जो भी स्कल्पचर्स बनाते हो, आप सबको पता ही होगा जो स्कल्पचर, जितने भी मूर्ति स्टैचूज आपको स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो सारा एक स्कल्पचर वाले बच्चे का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मेकिंग। तो मार्केट में जितना भी प्रिंट का यानी कि वुड कट, लिनो कट, ये एचिंग, हैचिंग, ये सब जितना भी सारा जो भी प्रिंटिंग का काम होता है यानी कि जिसको कार्व करके या फिर एनग्रेव करके बनाया जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये प्रिंटिंग की होती हैं। तो ये प्रिंट मेकिंग वाले बच्चे करते हैं जिनको आगे अपना करियर प्रिंट मेकिंग में बनाना है, जिनको प्रिंटिंग से ज्यादा लगाव है, जिनको बेसिकली इसको छापा कला कहते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग को। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स इसमें आती हैं, एंड इसमें लिथोग्राफी और सेरेग्राफी, पता नहीं कितनी सारी टेक्निक्स इसमें आती है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रिंट मेकिंग में सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री में आप जो है इजिली ड्राइंग टीचर बन सकते हैं। आर्टिस्ट्री से अगर आप बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करते हैं 4 साल की, तो इसमें क्या है कि आपको सारी आर्टिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसके बाद आप सिंपल जो है आर्टिस्ट्री का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही सही है उन बच्चों के लिए जिनको सीधा गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर टीचर बनना है। तो ये हो गई हमारी टोटल 6 स्ट्रीम्स। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। इसके बाद भी अगर आपको BFA को लेकर कोई भी डाउट है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा ये एक चीज़ मुझे पूछनी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर इट। सो ये BFA की डिटेल्ड वीडियो, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो भी एक BFA एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है। आप 12th पास करते ही अपना CUET की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप 12th में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे BFA का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, एंड उसके बाद जो है आपको अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। कोई बात नहीं अगर एक बार में नहीं होता, बच्चे 2-3 साल ट्राई करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी BFA के रिगार्डिंग। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सारा कंटेंट BFA के ऊपर ही बनाती हूँ। जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, सब BFA के ऊपर मैं क्लासेस भी लेती हूँ, सो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।